नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा, रहाणे कप्तान। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। हरभजन सिंह, रॉबिन उथप्पा और मनोज तिवारी की टीम में वापसी हुई है, जबकि MF धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत कुछ अन्य खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। टीम की कमान अजिंक्य रहाणे को सौंपी गई है। जिम्बाब्वे दौरा 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, जहां टीम इंडिया को 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलने हैं। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कहा मोनेंद्र। ललित मोदी प्रकरण के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोनेंद्र बताते हुए उनकी तुलना धृतराष्ट्र से की है। ललित मोदी से संबंधों को लेकर विवादों में घिरी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वसुंधरा और ललित मोदी बिजनेस पार्टनर हैं और उनके बीच लेनदेन होता रहा है। मोदी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा कि धृतराष्ट्र बने मोदी को अब नींद से जागना चाहिए और वसुंधरा से इस्तीफा लेना चाहिए। व्यापम घोटाले के 2 और आरोपियों की मौत। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले के 2 आरोपियों की बीते 24 घंटे में मौत हो गई। एक और जहां अस्पताल में इलाज के दौरान राजेंद्र आर्य की मौत हो गई, साथ ही इस घोटाले से जुड़े एक और आरोपी नरेंद्र कैलाश सिंह तोमर की शनिवार देर रात इंदौर की जिला जेल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इन मौतों के बाद अब तक इस मामले में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला जेल के एक अधिकारी ने बताया कि तोमर 24 फरवरी से इस जेल में बंद था। उसने शनिवार देर रात तबीयत खराब होने की शिकायत की। उसे महाराजा यशवंतराव अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने इन मौतों को सामान्य बताते हुए इस मामले की CBI जांच से इनकार किया है। तालिबान के हमले में 11 अफगान सैनिकों की मौत। अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को तालिबान की ओर से घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 11 अफगानी सैनिकों की मौत हो गई। हेरात प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता एहसानुल्ला हयात ने बताया कि तालिबान ने हेरात के कारूख जिले में सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 11 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 4 सैनिक घायल भी हुए हैं। सुषमा और वसुंधरा को इस्तीफा दे देना चाहिए, कहा गोविंदाचार्य ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े रहे गोविंदाचार्य ने कहा कि ललित मोदी विवाद के मद्देनजर सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के नजरिए से वे दोषी हैं। दरअसल गोविंदाचार्य से पूछा गया था कि क्या विदेश मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को IPL के पूर्व प्रमुख को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आडवाणी, लाल बहादुर शास्त्री, शरद यादव ने ऐसा किया, उन्हें भी करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं और इससे पार्टी को लाभ होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।